हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले यूनिट डिजिट इकाई अंक में 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट। किसका पढ़ेंगे आप? 2 3 7 8। बाकी के 6 अंक आप पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने 0 1 5 6 और 4 9 को आपने समझा। अब हम पढ़ने वाले 2 3 7 8 कि ये क्या बोलते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 को, यदि मैं रखूँ कि 2 की पावर 1 तो कितना मिलेगा? 2 इकाई अंक मिलेगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2 यानी कितना मिलेगा? 4। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 × 2 × 2 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 यानी कि इकाई अंक कितना मिलेगा? 6। 2 की पावर 4 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार करेंगे आप? 4 बार। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16। 16 का इकाई अंक क्या रहेगा? 6। उसी प्रकार आप देखेंगे तो 2 की पावर 5 कितना? 2 की पावर 5 कितना होगा आपके पास? 32। इकाई अंक कितना? 2। 2 की पावर 6 64। इकाई अंक 4। 2 की पावर 7 128। इकाई अंक 8। 2 की पावर 8 256। इकाई अंक क्या रहेगा? 6। यदि आपने देखा कि सर हमने 2 की पावर 1 की तो 2 मिला, उसी प्रकार 2 की पावर 2 = 4, 2 की पावर 3 = 8, 2 की पावर 4 में कितना मिला आपको? 6। फिर आपने देखा कि यदि सर 2 की पावर 1 में हमने 4+ किए तो 2 की पावर 5 हो गई। हाँ या ना? आपने 2 की पावर 1 में यदि 4+ किए तो कितने हो गए? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 में वापस आपको इकाई अंक कितना मिल गया? 2। हाँ या ना? यहाँ आपने 2 की पावर 2 में 4+ किया तो कितना हो गया? 6। इकाई अंक कितना मिल गया वापस आपको? 4। उसी प्रकार आप देखेंगे 3 में 4+ किया तो 7 मिला, तो इकाई अंक कितना मिलेगा? 8। उसी प्रकार आपने 4 में 4+ किया तो 8 और इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ प्रत्येक चौथी घात पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2 की प्रत्येक चौथी घात पर रिपीटेशन क्या हो जाएगा आपका? स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं आगे 3 की, तो 3 का कॉन्सेप्ट आपका क्या कि 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 यानी कि 7, 3 की पावर 4 का मतलब 81 यानी कि 1, 3 की पावर यदि आप आगे करेंगे 3 की पावर 5 तो इसका मतलब होता है आपके पास, देखो यहाँ 81 और 3 आप गुणा करेंगे तो 243 यानी कितना मिलेगा इकाई अंक? 3। 3 की पावर 6 आप जब करेंगे तो आप 243 में 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना आपका इकाई अंक? 9 मिलेगा। 3 की पावर 7 में इकाई अंक आपको 7 मिलेगा और 3 की पावर 8 में इकाई अंक आपको 1 मिलेगा। यहाँ भी आपने देखा कि सर हमने 3 की पावर 1 में जैसे ही 4+ किए तो 3 की पावर 5 मिली और 3 की पावर 5 में हमें इकाई अंक कितना मिल रहा? 3 मिल रहा। हाँ या ना? इकाई अंक कितना मिला? 3। उसी प्रकार 3 की पावर 2 में हमने 5+ किए तो हमें कितना मिलेगा? सॉरी, 4+ किए 3 की पावर 2 में 4+ किए तो कितना मिलेगा आपको? 6 और इकाई अंक कितना मिलेगा आपको? 9। यानी कि 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6 पर इकाई अंक कितना मिलेगा आपको? 9। फिर आपने 3 की पावर 3 में 4+ किया तो कितना मिलेगा? 7। 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7 में भी आपको इकाई अंक कितना मिलेगा? यदि 3 की पावर 3 में 7 तो 3 की पावर 7 में भी इकाई अंक कितना रहेगा? 7 ही होगा। 3 की पावर 4 यदि आप देखेंगे 4 इसमें प्लस करेंगे तो 3 की पावर 8, 3 की पावर 4 का इकाई अंक भी 1 है और 3 की पावर 8 का इकाई अंक भी कितना होगा? 1 ही होगा। यहाँ भी आपका चौथी घात पे क्या हो रहा? रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा। आप आगे बढ़ेंगे तो आपने लिया 7, क्या लिया? 7। 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49 यानी कि 9, 7 की पावर 3 का मतलब इकाई अंक कितना? 3। 343 कितना होगा इकाई अंक? 3। 7 की पावर 4 में इकाई अंक कितना मिलेगा आपको? तो 7 × 21 कितना मिलेगा? 1। 7 की पावर 5 में इकाई अंक आपको कितना मिलेगा? 7 और 7 की पावर 6 में इकाई अंक आपको 9 मिलेगा। 7 की पावर 7 में आपको इकाई अंक 3 मिलेगा और 7 की पावर 8 में इकाई अंक आपको 1 मिलेगा। हाँ या ना? आपने यहाँ भी देखा कि सर यदि हम इस 1 में 1 4+ करते हैं तो पावर बन जाती है 7 की पावर 5।
सात की पावर एक पर भी इकाई सात, तो सात की पावर पांच पर भी इकाई कितना रहेगा, सात ही होगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि सात की पावर तीन में प्लस किया तो सात की पावर सात, और सात की पावर तीन में यदि इकाई तीन है तो सात की पावर सात में भी इकाई कितना होगा, तीन ही होगा। आपने देखा कि सर सात की पावर चार का मतलब इकाई अंक एक है, तो सात की पावर चार में चार प्लस करेंगे तो सात की पावर आठ में भी इकाई अंक कितना मिला आपको, एक ही मिला। यहाँ भी आपका प्रत्येक चौथी घात पर इकाई अंक वही प्राप्त हो जाता है। आप आगे बढ़ेंगे, यदि आप आठ देखेंगे तो आठ की पावर एक करेंगे तो आपको इकाई अंक आठ मिलेगा, आठ की पावर दो करेंगे तो इकाई अंक चौंसठ यानी कि चार मिलेगा, आठ की पावर तीन पाँच सौ बारह इकाई अंक दो मिलेगा, आठ की पावर चार जब आप करेंगे तो आपको इकाई अंक छः मिलेगा, आठ की पावर पाँच पर इकाई अंक आपको आठ मिलेगा, आठ की पावर छः पर इकाई अंक आपको चार मिलेगा, आठ की पावर सात पर इकाई अंक आपको दो मिलेगा, और आठ की पावर आठ पर आपको इकाई अंक छः प्राप्त होगा। यहाँ भी आपने देखा होगा कि सर जैसे ही हमने एक में चार प्लस किया तो आठ की पावर पाँच प्राप्त होगी, और यदि आठ की पावर एक पर इकाई अंक एक है तो आठ की पावर पाँच पर भी इकाई अंक कितना होगा, आठ ही होगा। और आठ की पावर दो में यदि आपने चार प्लस किया तो आठ की पावर छः, यदि आठ की पावर दो पर इकाई अंक चार तो आठ की पावर छः पर भी इकाई अंक कितना मिलेगा, चार ही मिलेगा। उसी प्रकार आठ की पावर चार का मतलब कितना हुआ, इकाई अंक छः, तो आठ की पावर आठ का मतलब भी इकाई अंक कितना होगा, छः। यानी कि दो तीन सात आठ सभी संख्याओं को, चारों संख्याओं का इकाई अंक प्रत्येक चौथी घात पर वही प्राप्त होता है। प्रत्येक चौथी घात के बाद, प्रत्येक चौथी घात के बाद आपको वही अंक प्राप्त होता है। यानी कि चार घात जैसे आपकी आगे बढ़ेगी, चार के बाद पांचवी, तो आपको वापस वही अंक मिलेगा जो एक पर मिला था, हाँ या ना। इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। 512 की पावर कितनी है, 6। इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो 512 की पावर 6 का इकाई अंक। तो आप देखेंगे सर प्रत्येक चौथी घात पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इस पावर को हम 6 से भाग कर देंगे, इस पावर 6 को हम 4 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चौथी घात के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा, तो इस 6 में से हम 4 हटा देंगे। तो इस 6 में से 4 किस प्रकार हटाएंगे, जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 कितना शेष बचेगा, शेष बचा आपके पास 2। आपको शेष फल से मतलब होगा, ना कि भाग फल से। आपने पावर में काई से भाग लगाया, 4 से, और 4 से ही क्यों लगाया, क्योंकि प्रत्येक चौथी घात के बाद क्या हो रहा, आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा। आपने 6 को पावर को 4 से भाग किया तो इकाई, सॉरी, आपको शेष फल कितना मिला, रिमाइंडर आपको 2 प्राप्त हुआ। तो इस इकाई अंक की पावर कितनी रख देंगे आप, इसकी पावर 2 रखेंगे। कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। ध्यान दें, आपको इकाई अंक से मतलब है, ना कि पूरी संख्या से। तो इकाई अंक की पावर कितनी रख देंगे, 2, और इतना तो कर ही सकते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब होता है कितना, 2 × 2 = 4। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा आपको, 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि आपसे बोला गया कि 388 की पावर 7 हो, 388 की पावर 7 हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपने देखा सर, हम सबसे पहले इकाई अंक रखेंगे कितना, 8, फिर उसके बाद पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 7 में 4 से भाग करेंगे तो कितना, 4 एकम 4 आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3, और जो शेष फल बचेगा उसे क्या लगा देंगे, इसकी पावर। इसका मतलब होता है 8 × 8 कितनी बार करना, 3 बार जब आप करेंगे तो 8 × 8 कितना, 64 इकाई अंक, 4 8 चुक 32 इकाई अंक कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, हाँ या ना। यदि मैंने आपसे बोला कि आप 927 की पावर रखेंगे कितनी, 27, 927 की पावर कितनी रखी आपने, 27, और मैंने पूछा आपसे कि इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सर सबसे पहले हम इकाई अंक लेंगे कितना, 7। पूरी संख्या से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद इस पावर 27 को सर हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 छंकी कितना, 24, कितनी बार गया, 6, और 24 आपका माइनस होगा तो कितना मिलेगा आपको,
शेषफल 3 प्राप्त हुआ। जैसे ही आपको शेषफल 3 प्राप्त होगा तो आप इसकी पावर कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 × 7 × 7 आप गुणा करेंगे तो 49 यानी कि 9, और 9 × 7 आप गुणा करेंगे तो 63 यानी कि इकाई कितना मिलेगा इस संख्या का, 3 प्राप्त होगा। हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया। यदि मैं आपसे बोलूँ कि किसी संख्या 133, कोई संख्या कितनी है 133 और इसकी पावर 133 है, इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस संख्या में 4 का भाग करेंगे। इस संख्या में किस में, पावर में 4 का। क्यों, क्योंकि प्रत्येक चौथी घात के बाद 2 3 7 8 में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे ही 133 में 4 का भाग करने गए तो ध्यान दे, थोड़ा सा आप यहाँ हर बार का इसे डिवाइड करेंगे, आप 4 से भाग करेंगे तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, 4 का विभाजिता का नियम। जिस प्रकार से आपने 10 बार में 3 और 9 का विभाजिता का नियम पढ़ा, उसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान देंगे 4 की विभाजिता का नियम, कि 4 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है। तो 4 का नियम बोलता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के या फिर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या पूरी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक संख्या ले ली मैंने 1132, क्या संख्या ली 1132, पूछा कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, तो आप क्या करेंगे कि सर इसके अंतिम 2 अंक में भाग देंगे, कितने अंतिम 2 अंक, क्या 32 बताओ 4 से पूरा कटेगा, 4 8 32, हाँ या ना, यह संख्या 4 से पूर्णता क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आप यदि कितनी बड़ी पावर दे दे, जैसे कि आपको 133 की पावर 133 दी हुई है, यदि क्वेश्चन आपको 133 की पावर 2582 दे दे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस संख्या में पावर में 4 का भाग करने के लिए अंतिम 2 अंक में ही भाग करेंगे, क्योंकि 4 का नियम ये बोलता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, या फिर जितना शेषफल बच जाता है तो आप अंतिम 2 अंक में जितना शेषफल बचेगा इतना ही पूरी संख्या में भाग देने पर मिलेगा आपको। तो यहाँ 82 में यदि आप 4 का भाग करेंगे तो 4 × 8 आपका कितना, 2 शेष मिलेगा, तो आप 3 की पावर कितनी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। उसी प्रकार 133 में जब आप भाग करेंगे 4 का, तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए, तो आप सिर्फ 133 में नहीं, किस में देंगे, 33 में भाग देंगे इकाई का 4 का, तो 4 8 32 कितना शेष मिला आपको, 1 शेष मिला। और यहाँ 1 किस संख्या की, इकाई अंक की पावर रखेंगे 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है कितना, 3, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। हाँ या ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 2 8 7 और 3 चारों संख्याएं रखकर उनके उदाहरण आपको बता दिए। आइए एक और बार देखते हैं, यदि 133 की पावर 2582 हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सर इस संख्या की पावर में 4 से भाग करेंगे, तो अब हर बार इस प्रकार से भाग नहीं देंगे, आपने समझने के तौर पर इस प्रकार से भाग दिया, आप डायरेक्ट भाग देंगे अंतिम 2 अंक में, क्योंकि 4 का नियम बोलता है अंतिम 2 अंक में भाग दो, अंतिम 2 अंक में भाग दिया 82 में, तो 4 × 8 कितना मिला आपको, 2 में भाग जा रहा क्या, नहीं, तो आप इस 3 की पावर कितनी रख देंगे, 2, शेषफल कितना मिलेगा, 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, इकाई अंक क्या मिलेगा, 9 प्राप्त होगा। हाँ या ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम 2 3 7 8 की चाहे कितनी भी बड़ी घात हो हम आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यदि आप इकाई अंक में सारे अंक को 3 पार्ट में पढ़ते हैं, और 3 पार्ट में पढ़ने के बाद मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो 0 से लेकर 9 तक 10 ही अंक पर लागू होगा, तो अब हम बात करते हैं उसकी, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी अंकों की पावर को यदि आप 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल मिलेगा वह उन संख्या के इकाई अंक पर पावर लगा देंगे और आप उसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि 229 की पावर
5685 है, 229 की पावर 5685 है। तो मैंने आपको चार और नौ के नियम में पढ़ा था कि यदि नौ किसी संख्या के इकाई अंक पर है और उसकी पावर यदि विषम संख्या है तो आंसर कितना आ जाएगा रे, नो। हाँ या ना, याद आया? लेकिन आप उस नियम को भूल गए, क्योंकि आप नालायक जैसी हरकतों से पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तब आपको ये तरीका काम आ जाएगा कि सर ने बोला था चाहे कोई भी संख्या हो उसकी पावर को चार से भाग करेंगे, और चार से भाग करने के लिए अंतिम दो अंक पर ध्यान देंगे। अंतिम दो अंक क्या है, 85। इस 85 को चार से जब आप भाग करेंगे तो चार दूनी आठ, ठीक है, पांच में जब जाएगा तो ऊपर से कितना पांच, और चार एकम चार, तो आपका शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। 85 में भाग देने पर शेषफल कितना, एक। और इस एक की पावर आप क्या लगा देंगे, इकाई अंक पर, इकाई अंक आपका नौ, और नौ की पावर यदि एक रखेंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा, नौ ही होगा। हाँ या ना? तो इस प्रकार से चाहे इनमें से कोई भी नंबर आप लेंगे और उसकी पावर को चार से भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उस पर आप उसका क्या रख देंगे, घात रखेंगे, और आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दें, यदि आप किसी संख्या को चार से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका एक दो तीन और जीरो, इनके अलावा और नहीं बचेगा, क्योंकि जो शेषफल बचेगा वह संख्या चार से छोटी होगी, क्योंकि अगर बड़ी होती तो चार से डिवाइड हो जाती, कभी भी शेषफल आपका सात नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि सात में तो फिर चार से भाग जाएगा एक बार, कितना शेषफल मिलेगा, तीन ही मिलेगा, ना ही आपका आठ बच सकता, ना ही नौ बचेगा। क्यों? क्योंकि आठ में भी आपका चार से भाग चलाएगा चला जाएगा, जीरो बचेगा, नौ में भी चार से भाग चला जाएगा, एक बचेगा। तो इस प्रकार से कभी भी शेषफल यदि आप चार से भाग दे रहे हैं तो आपको एक दो तीन और जीरो के अलावा और नहीं आएगा, और किसी भी संख्या का अंक आप एक दो तीन घात तक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ या ना? तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि चाहे कोई भी संख्या, आपने देखा कि जीरो एक पांच और छह में इकाई अंक वही होता है चाहे कितनी भी घात है, लेकिन आप तो भूल चुके। तो आपको यदि बोला गया कि 116 की पावर 8526 है, 116 की पावर 8526 से इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसके अंतिम दो अंक में भाग दे दिए। या तो आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक 6 है तो 6 ही प्राप्त होगा, लेकिन आपको नहीं याद है तो आप इसकी पावर में 4 से भाग दीजिए। तो चार से भाग देंगे 26 में तो कितना, आप देखिए इकाई अंक कितना आपका 6, 26 में भाग देंगे तो 4 × 6 = 24, कितना बचा शेषफल 2, इसकी पावर 2 रखेंगे, और 6 × 6 का मतलब इकाई अंक कितना होता है, 6 ही प्राप्त होता है, क्योंकि 6 × 6 = 36, 36 का इकाई अंक कितना होगा, 6। आप 0 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या की पावर को 4 से भाग दे सकते हैं और जो शेष बचेगा उसकी आप पावर लगाकर आंसर बता सकते हैं। हाँ या ना? इस नियम से आप 4 के भाग के नियम से इन पूरी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण और देखते हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम चलेंगे इन सभी क्वेश्चनों की, इन सभी संख्याओं के क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि मैंने बोला कि आपको दिया हुआ है 823, कितना दिया हुआ है 823, और इसकी पावर आपको दे दी गई कितनी, 272, कितनी दे दी गई, 272, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि सर सबसे पहले हम 3 निकालेंगे, इकाई का अंक निकाल लिया, इकाई का अंक कितना है 3, आपको 82 से मतलब नहीं है, इकाई अंक 3 निकाला, उसके बाद पावर में अंतिम दो अंक में 4 से भाग दिया, तो 4 × 4, 7 में से 4 गए, कितना बचा आपका 3, 32, 4 × 8 = 32, ये तो सर पूरी विभाजित हो गई। आपने देखा कि सर 72 में जब हमने 4 से भाग किया तो 4 × 4, फिर ऊपर से कितना 3 और ऊपर से 2, 32 उतारे, उसके बाद 32 में फिर भाग लगाया तो 4 × 8 = 32, सर शेषफल 0 आ गया। तो हमने इसकी पावर कितनी रखनी है, 0। जब आप किसी संख्या की यदि पावर 0 रखेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। ध्यान दें, हम घातांक
सरणी में पढ़ने वाले नियम कि किसी भी संख्या की यदि पावर जीरो होती है तो उसका मान एक हो जाता है, चाहे वह संख्या कितनी ही बड़ी क्यों नहीं हो, यदि उसकी पावर जीरो तो उसका मान कितना होगा, एक होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या की घात यदि जीरो है तो उसका मान कितना होगा, एक। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 4 की पावर 0 बराबर क्या होगा और 9 की पावर 0 बराबर क्या होगा। आपने यदि पार्ट 2 देखा हो इकाई अंक का तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में हल करना, ठीक है। किसी का भी आंसर सही नहीं आया इसका, यदि आप देखेंगे 4 की पावर 0 तो 4 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाता है, 1, और 9 की पावर 0 का मतलब भी क्या हो जाता है, किसी भी संख्या की पावर का 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। युवराज ठाकुर ने जरूर सभी क्वेश्चनों के आंसर जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में करने की बोला था उसने सभी के सही दिए, बस उसके 2 गलत थे, ठीक है। तो भाई युवराज इसको देख सकते हैं आप कि 4 की पावर 0 या 9 की पावर 0 या किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप इसको घातांक करने में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब आपने देखा कि सर यदि पावर 0 बची तो आप क्या करें, फिर इसका इकाई अंक 1 होगा क्या, लेकिन गलत हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, नोट कीजिएगा, यदि किसी पावर में आप यदि 4 का भाग दे रहे हैं और शेषफल यदि 0 बचा तो उसकी जगह आप पावर कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। उसकी जगह पावर कितनी रखेंगे, 4, क्योंकि 0 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सर यदि किसी की संख्या की पावर 0 रखेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा और वहाँ 1 हमारा गलत हो जाएगा। तो 0 की जगह क्या रखेंगे आप, 4 पावर रखेंगे, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 × 3 × कितनी बार, 4 बार। अब जब गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 के साथ 7 × 3 = 21 इकाई अंक कितना होगा, 1 प्राप्त होगा। कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, यदि कि संख्या का में पूरा भाग 4 का चला जाए किसी पावर में तो उसका आप क्या रखेंगे, 0 की जगह शेषफल 4 रखेंगे, बाकी 1, 2, 3 की जगह तो आप 1, 2, 3 ही रखेंगे, शेषफल 1, 2, 3 की जगह 1, 2, 3 ही रखेंगे। सिर्फ याद रखेंगे कि यदि शेषफल 0 बचा तो उसकी पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जैसा कि मैंने अगला क्वेश्चन दिया कि 2008 की पावर 2016 इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे क्या मिला, 8, चाहे कुछ भी हो इकाई अंक, इसी तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 कुछ भी हो इकाई अंक पर, इस तरीके से आप सभी का आंसर निकाल सकते हैं। 0 की तो कितनी भी पावर रखोगे 0 ही मिलेगा, ठीक है। 8 की पावर आप इकाई अंक 8 निकाला, इसकी पावर कितनी है, 16, 16 को 4 से भाग दिया, पूर्णता गया, शेषफल क्या मिला, रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 तो इकाई अंक क्या, उसकी पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 4 आपने पावर रखी और इसको जब आप हल करेंगे तो 8 की पावर 4 का मतलब होता है इस संख्या का कितनी बार, 4 बार गुणा करना, 8 × 8 कितना, 64, इकाई अंक कितना, 4, 4 × 8 कितना, 32, इकाई अंक कितना, 2, 8 × 2 = 16, इकाई अंक कितना मिलेगा इस संख्या का, 6 प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, यदि कि संख्या का शेषफल किस संख्या की पावर में यदि आपने 4 से भाग दिया और उसका शेषफल यदि 0 प्राप्त हुआ तो इकाई अंक की पावर क्या रखेंगे आप, 0 की जगह 4 रखेंगे, ठीक है। बाकी 1, 2, 3 बचेगा तो 1, 2, 3 ही रखेंगे। इस प्रकार से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ और उदाहरण पर प्रैक्टिस कर, जैसा कि आपको बोला गया कि 2007 की पावर 3835 हो तो इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक निकाला 7, और आपको देखो ये 2007 में सिर्फ 7 से मतलब है, ना कि पूरी संख्या से। आप पावर के अंतिम 2 अंक में यदि भाग देंगे 4 से, क्यों दे रहे हैं 4 से, क्योंकि प्रत्येक अंक यदि आप साइक्लिसिटी की बात करते हैं, रिपीटेशन की बात करते हैं, तो प्रत्येक संख्या का आपको चौथी घात पर रिपीटेशन स्टार्ट कर देगा। हाँ 0 है 0 तो हमेशा 0 ही रहेगा, लेकिन बात करते हैं 4 और 9 की,
तो चार और नौ का आपका दो अंक पर भी रिपीटेशन स्टार्ट करता है, और जो संख्या दो अंक पर रिपीटेशन स्टार्ट करेगी वो चार पर भी करेगी। तो इसी प्रकार सभी संख्याएं चार पर रिपीटेशन स्टार्ट कर देती, चार की घात के बाद इस रिपीटेशन स्टार्ट कर देती है। तो आप 32 में काय से भाग करेंगे, चार से, तो चार आठे सॉरी 35 में काय से भाग करेंगे, चार से, तो चार आठे 32 कितना बचा शेषफल 3, 7 की पावर 3 आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा आंसर, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 का क्यूब 343, आंसर कितना आएगा एकाएक 3 आएगा। जब आप मेष को एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे तो आपको 7 का गुणा 3 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस प्रकार से सिखा दूंगा कि जैसे 7 की पावर 3 तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, 7 की पावर 4 तो आंसर बता सकते हैं इकाई अंक 1 होगा। इस प्रकार से हम इन्हें आसानी से हल करेंगे, लेकिन कब, जब एक के बाद एक सारे चैप्टर आप मेष के पढ़ते जाएंगे, जैसे आपने वर्गमूल घनमूल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो आइए देखते हैं एक और उदाहरण। यदि आपसे बोला गया किसी क्वेश्चन में कि 2589 की पावर 2887 हो तो इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि सर इकाई के अंक पर तो 9 है। मैंने आपको नियम भी पढ़ाया कि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है उसकी घात विषम संख्या, तो इकाई अंक क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। लेकिन आपको नहीं याद है तो आप इतना तो याद रखेंगे कि 4 से भाग करने की बोला था सर ने, तो 4 से भाग करेंगे पावर अंतिम दो अंकों, तो 4 2 8 4 1 4 कितना शेष बचा 3, आप इसकी पावर 3 रखेंगे, और 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729। इकाई अंक कितना आपको 29 का, 729 का इकाई अंक 9 मिलेगा। तो इस संख्या का आंसर भी क्या होगा 9 ही होगा, इकाई अंक क्या होगा 9 ही होगा, हाँ या ना। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या आपका कि 10 की पावर 11, 11 की पावर 12, 12 की पावर 13, आप बढ़ते गए 18 की पावर 19 और 19 की पावर 20 तक पूछा गया इस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा कि सर 0, 1, 5 और 6 की कितनी ही पावर रख दो, 0, 1, 5, 6 ही आएगा। यदि एक बार मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो सभी संख्याओं क्या कर देगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। देखते से ही बिना पेन उठाए आप हल कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता तो मैं इन सभी संख्याओं का आपको इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं 4 का भाग देकर। तो 10 की पावर 11 यानी कि इकाई अंक क्या है 0। आपको पता है 0 किस संख्या में गुणा करेगा 0 हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं इस प्रकार से भी इकाई अंक निकाल सकते हैं। 0 की पावर 11 तो 11 में 4 से भाग दो, 4 2 8 कितना शेष बचा 3 आपने रखा, ठीक है। यहाँ इकाई अंक कितना 1, इसकी पावर कितनी 12, 4 से भाग करो 4 3 12 पूरा गया, 0 शेष बचा, जब 0 शेष तो पावर कितने रखेंगे 4। 12 की पावर यानी कि 2 की पावर 13, 4 से भाग करेंगे 4 3 12 एक शेष बचेगा, 3 की पावर 14 में जब आप 4 से भाग करेंगे 2 शेष, और 4 की पावर यानी कि 14 की पावर 15 में जब आप भाग करेंगे तो 3 शेष, उसी प्रकार 15 की पावर 16 पूर्णतः विभाजित तो 5 की पावर कितने रखेंगे 0 शेष आने पर 4 रखेंगे, 6 की पावर 17 में आप जब 4 से भाग करेंगे तो 6 की पावर 1, 7 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 9 की पावर 0 यानी कि 4। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, और इतने तो हल ही कर सकते हैं यार, 0 × 0 × 0 तीन बार करेंगे कितना मिलेगा 0, 1 × 1 × 1 × 4 बार करेंगे कितना मिलेगा 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना 9, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, इकाई अंक कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। आप गए 5 की पावर 4 पर, तो 5 की कितनी भी पावर हो 5 ही मिलेगा। 6 की पावर 1 का मतलब 6, 7 की पावर 2 का इकाई अंक कितना 9, 8 की पावर 3 का मतलब 512, इकाई अंक कितना 2, 9 की पावर 4 नौ की कितनी भी पावर हो क्या है सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, हाँ या ना। यहाँ 9 की पावर 4 आप कर सकते हैं, 9 × 9 × 9 कितनी बार 4 बार, 9 × 9 81 का 1, 9 1 कम 9
और 9 × 9 कितना 81 का इकाई क्या मिलेगा 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार अब ये पूरा मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपने देखा कि सर यहाँ 0 यदि किस संख्या में गुणा करेगा तो क्या मिलेगा एकाएंक 0 ही मिलेगा। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि आपको तीनों नियम याद हैं तो देखकर आंसर बता सकते हैं, लेकिन नहीं याद है तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए सभी संख्याओं का कि उसकी पावर को 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 की पावर 99 - 4 की पावर 88 का एकाएंक क्या होगा? तो आप देखेंगे कि सर 4 का नियम बोलता है यदि पावर विषम तो कितना 4 ही मिलेगा। तो 4 की पावर 99 विषम इकाएंक कितना 4 माइनस की जगह माइनस 4 की पावर सम तो इकाएंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा। हाँ या ना? यहाँ फिर इस पावर में 4 से भाग दीजिए तो आप सबसे पहले इकाएंक रखेंगे 4 पावर में 4 से भाग देंगे तो 4 × 2 = 8 कितना बचा 1 = 19 और 4 × 16 पावर कितनी मिलेगी आपको 4 × 16 तो कितने 3 बचा शेषफल कितना 3 और 4 की पावर 3 आप कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे तो 4 × 16 का 6 और 6 × 24 इकाएंक क्या मिलेगा 4। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। 88 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा पूरा पूरा कट जाएगा शेषफल 0। जब शेषफल 0 तो 4 की पावर कितनी रखेंगे 4 रखेंगे इकाएंक क्या देगा 6 देगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका प्लस का 4 माइनस के 6 में से जाएगा तो -2 ये आपका इकाएंक होगा। हाँ या ना? नहीं, गलत है। आप देखेंगे कि सर 4 की पावर 99 तो बड़ा है, 4 की पावर 99 तो बड़ी संख्या है। आप देखेंगे 4 की पावर 99 बड़ी संख्या है और 4 की पावर 88 तो छोटी संख्या होगी और जब बड़ी संख्या में छोटी माइनस करेंगे तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। हाँ या ना? जब आप देखेंगे कि सर 12 में से मुझे 8 माइनस करना तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि सर 2 में से 8 गए तो माइनस के 6 मिलेंगे। नहीं, 12 में से 8 यहाँ आप हासिल लेंगे तो आपने कहाँ से लिया तो कितना 12, 12 में से 8 गए तो कितने प्लस के 4 मिलेंगे। तो आप याद देंगे इसका इकाएंक भी 4 और इसका इकाएंक 6 तो इस 4 में से 6 जब माइनस करेंगे तो एक पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा। हाँ या ना? तो कितने 14 और जब आप 14 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस का 8 इकाएंक प्राप्त होगा। ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2156 × 1724 का इकाई अंक यदि 6 हो तो x का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए, 6 होगा, 8 होगा, 2 होगा या सभी होंगे इस x का मान, ठीक है। तो आप इसे ऑप्शन से ही करेंगे नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। x का मान एक बार कितना रखो 6, ठीक है। अब देखो 6 की पावर यदि आप देखेंगे 24 क्या है पावर 6 की कुछ भी रहे इकाएंक क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो 6 की पावर 1724 यदि आप रखेंगे तो इकाएंक क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ x का मान 6 रखेंगे तो इकाएंक 6 होगा, बिल्कुल। तो आपका 6 तो सही है। 8 रखेंगे यदि इकाई की जगह इकाई के अंक पर तो 8 की पावर कितनी 1724। 8 का नियम बताया मैंने, यहाँ सभी संख्याओं का नियम है वो कि आप अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए पूरा पूरा गया। हाँ या ना? तो 8 की पावर 1724 यानी कि 24 में 4 से भाग दिया 6 × 24 पूरा पूरा विभाजित हुआ। जब पूरा विभाजित हुआ तो 8 की पावर कितने रखेंगे 4। 8 की पावर 4 आप रखेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा 6। कैसे? 8 × 8 × 8 कितनी बार रे 4 बार। 8 × 8 = 64 8 × 32 = 2 8 × 2 = 16 इकाएंक कितना मिलेगा यहाँ से भी 6 यानी कि इकाई इस संख्या का x का मान 8 भी हो सकता है। जब आप 2 रखेंगे तो 2 की पावर 1724 पावर 4 से पूरी पूरी विभाजित तो 2 की पावर आप शेषफल 0 मिलने पर 4 रखेंगे और इसका जब आप करेंगे तो 2 × 2 × 2 कितनी बार 4 बार। तो आपको देखेंगे 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 का इकाएंक कितना 6 यानी कि 6 रखने पर भी 6 8 रखने पर भी 6 और 2 रखने पर भी संख्या में इकाएंक क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो आपका आंसर होगा ऑल, ठीक है। ऑल यानी कि सभी 6 8 2 इस एक्स का मान हो सकता है यदि इकाई अंक 6 हो तो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।